नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो सभी लोग नमस्ते कर दो। सभी दीदी भैया को राम राम। तो दोस्तों चल रही हूँ, एक अच्छी सी रेसिपी आप सबको बना के दिखाऊंगी। और तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना प्लीज। दोस्तों अरबी छिलने का सबसे आसान तरीका ये देखिए, चार पाई पे बहुत अच्छी तरह से छिल जाता है आसानी से, देखिए। तो अभी मैं एक छिल के दिखाती हूँ आप सबको। तो ये देखिए दोस्तों, अरबी छिलने का सबसे आसान तरीका ये चार पाई पे। तो ये देखिए किस तरह छिला जा रहा है और कितना आसानी से छिल जाता है। तो आज मैं अरबी की रेसिपी बनाऊंगी। तो ये देखो अंजलि छिल रही है कैसे दोस्तों। तो इसी तरह सभी अरबी को मैं छिल लेती हूँ, फिर आप सबको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अरबी को हमने साफ से छिल लिया है, अब इसको धुल लेंगे। तो ये देखिए जो अरबी खराब है इसमें, वो भी पता चल जाता है कि कौन खराब है कौन नहीं। तो ये वाला अरबी बिल्कुल नहीं पकेगा, ये वाला। तो चलती हूँ, इसको साफ से धुल लेते हैं और इसको पका लेते हैं, देखते हैं जो पकेगा तो बनाएंगे, नहीं जो पकेगा उसको फेंक देंगे। तो चलती हूँ, इसको साफ से धुल लेती हूँ नल पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अरबी छील कर ले आई हूँ नल पर, तो इसको साफ से धुल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह धुल रहा है, तो इसको तीन चार बार धुलेंगे, ये साफ हो जाएगा। तो अरबी को दो तीन बार धुल लिए हैं, अब इसको दो बार और धुलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से धुलना पड़ता है क्योंकि ये चिपचिपा होता है, तो इसमें मिट्टी लगा रहता है दोस्तों। तो इसीलिए नल पे मैं ले आई सीधे धुलने, नहीं तो सब्जी मैं अंदर ही धुल लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह साफ किए हैं। तो अरबी को साफ से धुल लिए हैं, ले चलती हूँ इसको बनाती हूँ। तो दोस्तों ये चने का दाल है, ये देखिए। तो ये ज्यादा पकता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पका सकते हैं, लेकिन मैं कम ही पकाई हूँ। तो चलती हूँ ये दाल की रेसिपी में, ये अरबी को डालेंगे तो बहुत अच्छा बनता है। तो अरबी को इसी तरह काट लेते हैं पतला पतला पीस में। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह काटना है, बाकी जो खराब अरबी है इसमें से निकाल देंगे। तो दाल को मैं पहले से पका ली हूँ। तो दाल में मैं नमक और मसाला डाल दी थी पहले से, और अरबी को बाद में डालेंगे क्योंकि ज्यादा पक जाता, मैं दाल के साथ अरबी डालती तो अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए कुछ इस तरह मैं काट लेती हूँ अरबी को। तो दोस्तों ये अरबी बिल्कुल खराब है, तो इसको निकाल दी हूँ और बाकी अरबी को काट ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसी तरह काटना है, ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा। तो अब इसको हम अरबी को, आप अरहर के दाल में भी बना सकते हैं, मटर के दाल में इसी तरह बना सकते हैं, और बाकी हमारे पास चने का दाल था दोस्तों, तो उसी में मैं बना रही हूँ। सबसे अच्छा ये अरहर के दाल में अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं दाल में, तो दाल में मिक्स मसाला डाल देते हैं थोड़ा अरबी के सब्जी के अनुसार, क्योंकि मैं दाल में पहले से मसाला डाली थी, तो थोड़ा ही दाल में डालेंगे मसाला को। तो थोड़ा सब्जी के अनुसार नमक डाल देती हूँ, वो भी पहले नमक मैं दाल में मिला चुकी थी।
तो कुकर में मैं ढक्कन लगा देती हूँ, अब इसको पका लेंगे। तो यहाँ मैं दाल को और अरबी को रख देती हूँ पकने के लिए। तो 3 सीटी लगाएंगे दोस्तों, तब तक ये पक जाएगा। तो यहाँ अरबी का दाल ये पक चुका है, अब इसको नीचे उतार लेते हैं। तो तावे को रख देते हैं। तो मैं यहाँ रोटी को बना ली हूँ और चलती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ कि हमारा दाल और अरबी की ये कैसी बनी है दाल। तो यहाँ मैं रोटी और चावल को बना ली हूँ, तो चलती हूँ थाली में निकालती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ हमारा ये दाल और अरबी की रेसिपी कैसी बनी है। तो आप दाल में तड़का भी लगा सकते हैं, और मैं तड़का नहीं लगाई हूँ दोस्तों, क्योंकि नहीं खाते हैं हम सब तड़के वाला दाल। तो कुछ इस तरह बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह दाल और ये अरबी बना हुआ है। तो आप सब भी बनाकर देखना और खाना, फिर बताना कि कैसे बना है। तो वैसे तो दोस्तों ये रेसिपी बनता है, अब जो हमारे भैया दीदी बनाते होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि ये ऐसे ही बनता है और अच्छा भी लगता है खाने में। क्योंकि कई लोग कमेंट में बोल देते हैं कि पता नहीं कैसे ये क्या क्या बना देती हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये सब बात कहना पड़ता है। तो दोस्तों हम खेत में आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और गर्मी अधिक पड़ रहा है, और वहाँ का क्लिप मैं बनाई थी दोस्तों घर में, तो वहाँ का क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गया जब मैं एडिटिंग करने लगी। तो जब मैं एडिटिंग करने लगी तो वो क्लिप मिला ही नहीं दोस्तों, चंदन ने शूट किए थे। तो मैं सोची फिर से बोल के बना देती हूँ। तो ये देखिए मैं खेत में आ गई हूँ, अंधेरा मतलब शाम का टाइम होने वाला है। तो देखिए सूरज भगवान ये पश्चिम की तरफ कुछ इस तरह दिख रहा होगा, मतलब तो इस साइड का लोकेशन काला आता होगा, और मैं इस साइड दिखाती हूँ तो नहीं दिखाई देता है दोस्तों। आप देख सकते हैं सूर्य भगवान वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ पर साफ वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं खेत में चली आई हूँ। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरह, और ये देखिए धान की रोपाई इस साइड हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, धान की रोपाई यहाँ हो चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ हमारे घर के जस्ट बगल है, तो ये देखिए धान की रोपाई पूरी हो चुकी है। नमस्ते। तो यहाँ चंदन खा रहे हैं। तो चंदन ये दाल अरबी वाला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और गुंजन वहाँ पे खा रही हैं, तो खाट पे पैर मत हिलाओ गुंजन। तो ये देखिए दोस्तों, भैया ने कुछ सामान दिए हैं, वहाँ चारपाई पे रखा हुआ है। खा, तो बुला रही हैं खाने के लिए। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।